हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजीज खान फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ टुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट मैच द पिक्चर्स विथ द सेलिब्रेशंस। फर्स्ट इज ये जो आपको लाइट का आइकॉन दिख रहा है, ये जो है पहला आपका दिवाली में मैच होगा, यानी ये जो लाइट है ये दिवाली यानी ई में आएगा, दिवाली। आफ्टर दिस सेकेंड जो क्रिसमस ट्री है, वो क्रिसमस ट्री आपका क्रिसमस में मैच होगा। नंबर थर्ड, ये जो आपका दिख रहा है आइकॉन बर्थडे का जो इमेज बना हुआ है, इस बर्थडे इमेज को आप बर्थडे में मैच कीजिए, बर्थडे में। नंबर फोर, ये जो आप देख रहे हैं कि दो बच्चे जो है गले लगे हुए हैं, विश कर रहे हैं एक दूसरे को, वो मैच होगा ईद पर, EID ईद। इसके बाद फिफ्थ है जो इंडिपेंडेंस का, जो आपको ये इमेज दिख रहा है, जो आपको ये आइकॉन फोटोज दिख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस डे में मैच होगा। एंड नाउ सॉल्यूशन इज, फर्स्ट का होगा ई, सेकेंड का डी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ बी। एंड टिक द करेक्ट आंसर, वी विल सी अबाउट टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स और लाइट। जो दिवाली त्योहार होता है, क्या वो कलर्स का या लाइट का त्योहार होता है? तो दिवाली जो फेस्टिवल होता है वो लाइट का फेस्टिवल त्योहार होता है। यहां जो आपको ब्रैकेट दिया हुआ उसमें आप टिक, राइट का टिक मार्क कीजिए, राइट, यानी लाइट। दिवाली जो है, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली जो है कलर लाइट्स का, यानी लाइट प्रकाश का त्योहार होता है। दिवाली में हम लाइट्स जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ओके। एंड सेकेंड, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 24th और 25th दिसंबर। तो वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th दिसंबर। तो 24th के बाद जो आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें आप टिक मार्क कीजिए। फिर नंबर थर्ड, पीपल फास्ट फॉर अबाउट अ मंथ बिफोर सेलिब्रेटिंग दिवाली या ईद। तो जो लोग होते हैं वो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं एक महीने के लिए। उसके बाद जब उनका व्रत फास्ट जब समाप्त हो जाता है तो वो ईद मनाते हैं। तो यहां आप ईद पर टिक मार्क कीजिए। एंड नाउ वी विल सी अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पिक्चर क्लूज। अभी आप ये पेज देख रहे हैं, पेज नंबर 32 है। इस पेज में आपको क्लूज दिया हुआ है, ये देखिए फोटोज हैं, कुछ छोटे छोटे फोटोज आइकॉन्स हैं, उस आइकॉन्स के जरिए हम जो है पता लगाएंगे कि दिवाली कब मनाया जाता है और दिवाली में क्या क्या खाते हैं, ईद कब मनाई जाती है, क्रिसमस क्या है। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट, इट इज टुडे। अब बीच में स्पेस है तो इस स्पेस में आपका ईद भरा जाएगा, ये जो रिक्त स्थान है इसमें आपका पहला ईद आएगा। तो इट इज ईद टुडे, आज क्या है, ईद है। फारूक वेयर्स न्यू, उसके बाद जो फारूक है वेयर्स न्यू क्लॉथ, फारूक जो है नए कपड़े पहनता है, यहां क्लॉथ आएगा, CLOTH क्लॉथ।
ऑन द डे ऑफ ईद, ईद के दिन जो है फारूक एक नया कपड़ा पहनता है। ही ज्वाइंस हिज फ्रेंड टू, वह अपने सभी दोस्तों को बुलाता है, किसके लिए बुलाता है, प्रे के लिए। तो यहां पर प्रे आएगा, पी आर ए वाई, प्रे। एट द मॉस्क, मस्जिद में फारूक जो है अपने दोस्तों को बुलाता है प्रार्थना करने के लिए। ही ईट्स स्वीट्स लाइक सेमिया एंड खीर, और वो क्या खाता है, तो वो ईद के दिन जो है सेमिया और खीर खाता है। ही विशेस हिज फ्रेंड्स, और उसके बाद जो फारूक होता है, जो लड़का ये फारूक है, वो अपने दोस्तों को विश करता है, क्या विश करता है, ईद मुबारक। तो यहां पर जो आएगा ई आई डी ईद, एम यू बी ए आर ए के, ईद मुबारक। तो यहां पर जो है ईद मुबारक फिलअप किया जाएगा। नंबर सेकेंड, टूडेज, उसके बाद जो यहां पर रिक्त स्थान है उसमें दिवाली भरा जाएगा। इट टूडे इज दिवाली, फारूक गोज टू मालाज होम टू विश हर दिवाली। फारूक जो है माला के घर पे जाता है उसे विश करने के लिए, क्या विश करने के लिए, दिवाली विश करने के लिए। तो यहां पर आएगा नंबर टू के बाद जो है नंबर टू में डी आई डब्ल्यू ए एल आई, दिवाली। हर हाउस इज लिट विथ, अब यहां पर जो उसका घर है वो प्रकाश से भर जाता है, यहां पर आएगा लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट, क्योंकि यहां पे लाइट का आइकॉन दिख रहा है, इस आइकॉन के हिसाब से यहां पे आप लाइट लिखेंगे। नंबर थर्ड, इट इज, इसके बाद एक रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में आप क्रिसमस लिखेंगे, सी एच आर आई एस टी एम ए एस, क्रिसमस टूडे। तो इट इज क्रिसमस टूडे, आज क्रिसमस है। फारूक एंड माला हेल्प जॉन डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, फारूक और माला जो है जॉन को, जॉन एक फ्रेंड है, एक कोई नाम है, उसके घर जाते हैं और डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्री को। तो यहां पर जो है थ्री में आपको जो थ्री का फर्स्ट और सेकंड लाइन जो दिख रही है इसमें आपको क्रिसमस ट्री फिलअप किया जाएगा, जो आपको ट्री दिख रहा है उससे पहले क्रिसमस, सी एच आर आई एस टी एम एस, क्रिसमस टी आर डबल ई ट्री, तो यहां पर क्रिसमस ट्री फिलअप किया जाएगा। क्रिसमस ट्री ऑलरेडी दिया हुआ, ट्री मत लिखिए, क्रिसमस। जॉन्स मदर इज बेकिंग अप, फिर उसके बाद जॉन की जो माँ है वो क्या कर रही है, यहां पर क्या, कौन सा मार्क आपको दिख रहा है, कौन सा आइकॉन दिख रहा है, तो ये केक का आइकॉन दिख रहा है, तो यहां पर आप केक फिलअप करेंगे। जॉन एंड हिज फ्रेंड्स गिव गिफ्ट्स, यहां पर आपका गिफ्ट्स आ जाएगा, टू ईच अदर। यहां पे देखिए जॉन की जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट, हाउ डू वी विश ईच अदर ऑन ईद, ईद में हम विश कैसे करते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा, यहां पे आप देख रहे हैं कि डी का आंसर नंबर डी का है, वी विश ईद मुबारक ईच अदर ऑन ईद, ईद में हम क्या विश करते हैं, ईद मुबारक करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ ई आई डी ईद, एम यू बी ए आर ए के, ईद मुबारक। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट महात्मा गांधीज बर्थडे, महात्मा गांधी का बर्थडे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं, तो आंसर इज वी सेलिब्रेट महात्मा गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर।
महात्मा गांधी का जयंती हम महात्मा गांधी बापू महात्मा गांधी जी का जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? नाउ आंसर इज वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August। इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता दिवस होता है जो हम उसको 15 अगस्त को मनाते हैं। एंड वर्कशीट नंबर 2, नेम द फेस्टिवल। इस जो फेस्टिवल जो आपको ये दिख रहे हैं त्योहार, जो ये आइकॉन दिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? तो ये फर्स्ट इस आइकॉन में, इस पिक्चर में आपको दिवाली, ये लोग दिवाली का दिवाली डेकोरेट कर रहे हैं, दिया दिया वगैरह सब ये सब डेकोरेट कर रहे हैं। तो यहां पर आपका आएगा दिवाली, DIWALI, दिवाली। नंबर 2, सेकेंड, हाउ डू वी सेलिब्रेट दिस दिवाली? हम दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इन शॉर्ट आंसर यू कैन से वी लाइट दियास इन द इवनिंग। हम रात में दीप जलाते हैं, राइट? ओके, थैंक यू।